हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शशांक मोहन एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एसएम ब्लॉग्स में। सो आज से मैंने ये इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट की है एंड आज हमारे साथ में बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सन जो मॉडलिंग इंडस्ट्री या फिर फैशन इंडस्ट्री, मतलब स्पेसिफिक इंडस्ट्री छोड़ो, किसी भी इंडस्ट्री का कोई भी बंदा हो, सबके लिए इंस्पिरेशन है एंड वो लाइफ टाइम इंस्पिरेशन है। एंड सर का नाम है दिनेश मोहन। मैं नहीं हूँ सर, हाँ जी। एंड ये मेरा भाई, मेरा को होस्ट, मेरा को इंटरव्यूअर मंजीत सरावत। एंड ये दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली में जितनी भी जिम्स हैं, जो बड़ी बड़ी जिम है लाइक एनी टाइम फिटनेस हो गया, फिर कोई भी जिम, वहाँ पे इनकी स्पेशल क्लासेस होती हैं कोर की। इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। सर की हेल्थ के लिए सब मैंने किया, इनके जो सिक्स पैक है ना मेरी वजह से सिक्स पैक। तो पहला क्वेश्चन सर के लिए ये है कि सर आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आई थिंक आपकी एज 60 इयर्स को हो गए आप, और आजकल आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं मॉडलिंग में एंड फिल्म इंडस्ट्री में, आप अच्छा खासा नाम कमा रखा आपने। तो आप थोड़ी सी आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपका पास्ट कैसे, पास्ट में कहाँ से कहाँ तक पहुँचे एंड फ्यूचर में आपका कहाँ तक जाने का प्लान है, कैसा क्या है, तो एक बार प्लीज। हाँ जी, मैं हरियाणा गवर्नमेंट में ऑफिसर था, और जैसे सब लोग होते हैं एम्बिशन थी, पढ़े लिखे माँ बाप ने कहा गवर्नमेंट जॉब कर लो, हमेशा काम आएगी, मैंने कर ली। उसके बाद मेरी कुछ पर्सनल ट्रेजेडीज मुझे फेस करनी पड़ी लाइफ में। जब मैं अराउंड 40 इयर्स का था तो आई लॉस समबडी वेरी डियर टू मी, काइंड ऑफ फैमिली कह लो पूरी, वो वाइप आउट हो गई। तो उस टाइम पे फिर मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, और मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया। इतना डिप्रेशन में चला गया कि बिल्कुल, मतलब 3-4 बार तो मैंने सुसाइड करने की अटैम्प्ट करी। और मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ रहते हैं गुड़गांव में, मैं चंडीगढ़ में था, तो वे ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ ले आए यहाँ पे कि हम आपका ध्यान रखेंगे। और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और घर से निकलना नहीं, 12 साल में आई डिडंट स्टेप आउट ऑफ द होम, मेमोरी लॉस हुआ, हार्ट प्रॉब्लम हुई, शुगर प्रॉब्लम हुई, बहुत सी चीज़ें हुई मेरे साथ। एंड में इट ऑल एंडेड इन के मैं एक दिन बेड से उठने लगा, दिस इज़ इन 2009, और मैं उठ नहीं पाया। इट वॉज लाइक अ पैरालिसिस अटैक एंड चक्कर आए और मैं गिर जाता था। तो ये वाली कंडीशन मेरी 8 महीने तक चली, जब मैं बेड पे ही था, चल फिर नहीं सकता था, सब कुछ टॉयलेट वगैरह एवरीथिंग वॉज ऑन द बेड। एंड बहुत सपोर्टिव है मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड, बट देवर यंग, मेरे से 19 साल छोटी है मेरी सिस्टर। तो उसके पति ने एक दिन मुझे बोला कि देखिए आप थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को संभालो, आगे बढ़ो, जो जिन लोगों ने दुनिया से जाना था वो चले गए, आप हो भी दुनिया में, आप मरे नहीं हो, हमें मत मारो साथ में। He said it in a very encouraging manner because they love me a lot. They're very affectionate to me. तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि यार ये तो बच्चे जैसे ही हैं मेरे, मैं इनकी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहा हूँ। तो तब से फिर मैंने डिसाइड किया कि I have to do something for myself. आप सर कुछ अपनी फिटनेस के बारे में बताइए कि आपकी जर्नी मतलब कैसी रही फिटनेस को लेकर के, एंड आपने कौन कौन सी डाइट्स या फिर कोई भी जो भी आप बताना चाहें ऑडियंस को कि क्या क्या आपने किया। सबसे पहला मुझे ये नज़र आया कि मैं वेट लॉस करूँ, वेट की वजह से। आपका वेट कितना था? 130 kg। और उसके साथ ही मेरे को अपना वॉक, अपने जितनी मेडिकल इश्यूज थे वो सब मेरे मैनेज हो गए, क्योंकि मोस्टली साइकोलॉजिकल थे, दिमाग की वजह से, और दुनिया मुझे अच्छी लगने लगी। और एक मेन इशू सबको यही है कि जितनी भी बीमारी शरीर के अंदर हो रही है वो ओवर वेट की वजह से। बिल्कुल 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 सही बात है। देखिए मैंने एक एग्जांपल जब सेट हो गया कि वेट की वजह से, तो मैं हर किसी से कनेक्ट करने लग गया, मैं हर किसी को बताने लग गया कि देखो अगर मैं कर सकता हूँ। एंड एक्चुअली मेरी मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो ओवरनाइट ख़त्म होने लग गई, जब मैंने वेट लॉस किया, अच्छा दिखने लग गया, तो लोग तारीफ भी करने लग गए, जीने का जज्बा जो है वो फिर से जागा। मैंने एक टैटू बनवाया यहाँ पे, जो अभी क्योंकि सर्दियाँ हैं तो मैं दिखा नहीं सकता, इट सेज लिव लाइफ टू इट्स फुलेस्ट, वो मेरा हैशटैग भी है। और ऐसे ही मैं सबको, हाँ डाइट की जो आपने बात की, सबको पता है हम क्या गलत खा रहे हैं क्या ठीक खा रहे हैं, मगर हमने ब्रेकफास्ट में वही परौंठे खाने हैं, देसी घी लगा के खाने हैं। अगर हम जिम भी जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें लगता है यार आज तो बहुत जिम किया, बड़ी भूख लगी है, एक परौंठा और खा लेता हूँ, अब तो मैं इतनी एक्सरसाइज कर रहा हूं। और एक खाने के बाद होता है कि दूसरा और आने दो, दूसरा आने दो, एक्सरसाइज तो कर ही रहा हूँ, एंड वी एंड अप गेनिंग वेट इंस्टेड ऑफ लूजिंग। फिर हम क्या कहते हैं, यार जिम बेकार है, देखो ना मेरा तो 10 किलो वेट बढ़ गया, मैं जिम भी जा रहा हूँ। Diet, guys, is 80% of a fitness program. 20% is exercise. He is here. ये proof देंगे आपको
जब आप अपनी डाइट इम्प्रूव करोगे, आप फैट को कट करोगे, शुगर को कट करोगे, जंक फूड को कट करोगे, ऐसी चीज़ें जो आपके दिमाग को समझ आ रही हैं आपको नहीं करनी चाहिए, वो आप कट करोगे तो यू विल कम आउट लाइक दिस। एक मैगजीन के जर्नलिस्ट रहते थे, उन्होंने मेरी बिफोर आफ्टर की पिक्स ली, मैगजीन में आर्टिकल आया, वहाँ से एक मॉडलिंग एजेंसी ने देखा, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया, फिर आपका ट्रैक यहाँ से ऐसे सीधा ऊपर। एग्जैक्टली, तो तब से मैंने मुड़ के देखा नहीं है। फिर ऐसे ही पहले स्टिल फोटोग्राफ्स होते थे, फिर किसी ने कहा एक्सप्रेसिव फेस है, एक्टिंग कर लो, तो एक दो टी वी सी वगैरह किए, टी वी कमर्शियल किए, ऑल आउट का है सुजित सरकार का, वो बहुत फेमस है, और फिर मुझे पिछले साल बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मिला। फिर किसी ने फैशन इंडस्ट्री में से देखा, जैसे हर्ष खुल्लर जी हैं स्टाइलिस्ट, उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू वॉक द रैंप, यू आर टॉल, आई एम 6'1" एंड अच्छे दिखते हो देखने। तो मैंने फिर अमेजन फैशन वीक जो होता है दिल्ली में, जनवरी या फरवरी की बात है शायद पिछले साल, उसके लिए मैंने ओपनिंग शो में एज ओपनर मैं आया, और तब से फिर रैंप वॉक शुरू हो गया, और बहुत देश घूमा रैंप के लिए, शूट्स के लिए, मूवीज साइन की हैं, अभी एक की शूटिंग हो चुकी है, एक की चल रही है, दो की अभी बाकी है। दैट्स ग्रेट सर, ग्रेट। सर अब आपसे क्या ही पूछे, आपने तो मतलब दिल जीत लिया, दिल जीत लिया, मतलब लाइक हमारे पास वर्ड्स नहीं है कि आपको कैसे डिस्क्राइब किया जाए, आप इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है यूथ के लिए कि कहाँ से आप कहाँ तक आ गए, और मतलब जो छोटी एज में नहीं कर पाते वो इन्होंने बिल्कुल वो एज क्रॉस करने के बाद किया है, अपना पूरा पूरा जीवन इन्होंने बिता दिया जिस एज में लोग चारपाई पकड़ लेते हैं, उस एज में सर की हालत देखिए, लाइक आई डोंट थिंक सो कि अगर आपके बाल अगर सफेद ना हो, दाढ़ी अगर आपकी, अरे क्या बात कर रहे हैं, नो 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 नो, आई लव इट लाइक दिस, इज माय यूएसपी, आई विल नेवर गेट, मैं शूट्स में भी नहीं करवाता, या आई नो दैट, नो कलर्स इन माय, या आई नो दैट दिस इज योर यूएसपी, बट मैं बात बता रहा हूं कि अगर आपके मान लो अगर आपके बाल और दाढ़ी अगर काली होती, अगर दीपिका पादुकोण कहेगी तो शायद कर लूं, अदरवाइज वो कहेगी नहीं कभी तो मैं करूंगा नहीं, सर का क्रश। तो आई थिंक आपकी एज का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि अगर आपकी अगर दाढ़ी और बाल अगर काले हों तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा किसी को भी आपकी एज का अनुमान लगाना। देखिए यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा जो मैंने एनकाउंटर किया लाइफ में, आपने एक शब्द शायद सुना होगा एज शेमिंग, बॉडी शेमिंग तो है ही, कलर शेमिंग भी है, एज शेमिंग इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ इंडिया। अभी भी ट्रस्ट में मैं बाहर जाता हूँ ना तो लोग पहले कहते हैं साले बुड्ढे को देखो यार क्या आग लगी हुई है, मैं कहता हूँ यार why not, मैं तो अभी जीने लगा हूँ 3 साल से, अभी तो मैं बेबी हूँ आप लोगों के सामने, जीने तो मुझे सबको जीने का हक है, मैं जैसे कपड़े है कि वाइट दाढ़ी है और तो हुक्का पकड़ के गाऊंगा, आप लोगों के जो एज शेमिंग करते हैं उनके दिल काले हैं, मेरी दाढ़ी सफेद है, एज शेमिंग मत कीजिए, सबको जीने दीजिए, सबको हक है, किसी को बुढ़ा अंकल आंटी ये कह के बुलाना छोड़ दीजिए, मैंने ये कर दिखाया है और मेरा किसी से मुकाबला नहीं है, सिर्फ अपने से है, बट जो भी मुश्किल के अंदर है उसको होप देने के लिए मैं ये सब बोल रहा हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ आप सब भी कर सकते हैं, लगे रहिए बस। सर आपके चरण कहाँ हैं, थोड़ा सा आशीर्वाद दे दी हमारा भी कुछ, गॉड ब्लेस यू गाइस, गॉड ब्लेस यू गाइस। सो दिस इज ऑल इट गाइस, सो आई होप यू एंजॉयड इट, एंड आगे का जो भी आप लोग जिसको भी चाहते हैं कि किसकी जर्नी को मैं दिखाऊं आपको, एंड तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि किसको दिखाना, नेक्स्ट वीडियो में किसको लेकर के आना, तो मैं बिल्कुल लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, और इसको फॉलो करना है तो नीचे इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम सर का, भाई का, मेरा, सब चीज सारे लिंक मिल जाएंगे, सर के सोशल मीडिया और यूट्यूब अगर चैनल सर का है तो सारे लिंक मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, आप इनको गंदे कमेंट भी कर सकते हो, प्लीज सो नॉटी, मुझे नॉटी वाले सर की जवानी फूट रही है, लग रहा कैमरा बंद करना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल कर दीजिए, चलो सी यू गाइस, बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।